के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी जो है अपने मोबाइल में बाइनेंस ऐप को यूज़ करते हो और बाइनेंस में आपके पास कोई भी फंड है आपके वॉलेट में, चाहे वो USDT हो, चाहे TRX हो या फिर कोई भी करेंसी हो, और आप लोग चाहते हो उस करेंसी को उस अपने जो वॉलेट में जो भी अमाउंट है उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना, तो कैसे करोगे दोस्तों, वही आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको इतना ईजी तरीके से बताऊंगा जिससे कि आप लोग ईजिली आपको जो है समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे अपने बैंक अकाउंट में उसको जो है ट्रांसफर करना है, उसको विड्रॉ करना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है बाइनेंस ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बाइनेंस को ओपन कर रखा है, हम आपको इजीली जो है धीरे धीरे आसान तरीके से बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बाइनेंस को ओपन करने के बाद आपको दोस्तों नीचे दिख रहा है राइट साइड में नीचे वॉलेट्स का ऑप्शन, तो आपको सिंपली से जो है वॉलेट्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जितना भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है दिख रहा है स्पॉट का ऑप्शन सबसे पहले सेकंड नंबर पर, तो आपको स्पॉट पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जितना भी बैलेंस होगा दोस्तों वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले देख लेना है कि आपके पास कौन सा बैलेंस है, कौन सी करेंसी है। तो मेरे पास है दोस्तों TRX है, जो कि 144 TRX मेरे पास है। तो आपके पास जितना जो भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा, जितना भी होगा आपके पास वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास USDT है तो आपको यहाँ पर USDT आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास दोस्तों TRX है, तो मैं इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। तो इसी प्रकार से आपको भी अपने USDT को यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बैंक में विड्रॉ करना है, सेम प्रोसेस है कोई भी करेंसी हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो भी आपका स्पॉट में आपका बैलेंस है उसको आपको जो है फंडिंग में यहाँ पर आपको ट्रांसफर करना है, स्पॉट से आपको फंडिंग में लेके आना है। कैसे लेके आना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दिख रहा है ट्रांसफर का ऑप्शन, आपको ट्रांसफर पर जो आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है स्पॉट से आपको फंडिंग में लेके आना, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ऊपर स्पॉट नीचे फंडिंग, देन आपको यहाँ पर दिख रहा है करेंसी का ऑप्शन बिटकॉइन जैसे BTC, तो आपको इस पर आपको क्लिक करना है और आपके पास जो भी करेंसी है वो आपको दोस्तों सेलेक्ट करनी है। मेरे पास है TRX स्ट्रॉन्ग, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं TRX सेलेक्ट करता हूँ। आपके पास USDT है तो आपको USDT सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको बोल रहा है अमाउंट आपको फिल करना, जितना भी अमाउंट आप लोग यहाँ पर फिल करना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो, तो मैं मैक्सिमम मेरा पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो है सारे जो है TRX को विड्रॉ करना है अपने बैंक में। देन आपको क्या करना, आप लोग अपने हिसाब से इसको जो है पर जो है टाइप करके भी आप लोग अमाउंट यहाँ पर भर सकते हो। तो मैं इसको कन्फर्म ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये जो मेरा ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पर जो है स्पॉट से यहाँ पर जो है स्पॉट में मेरा जो भी बैलेंस था वो जीरो हो चुका है और यहाँ पर जो है फंडिंग में आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लाइव प्रूफ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है P2P का ऑप्शन, तो आपको सिंपली से P2P पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको दोस्तों यहाँ से जो है वीडियो को ध्यान से देखना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन, दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है बाय का, दूसरा सेल का। तो हमें तो बाय नहीं करना, हमें सेल करके अपने जो पैसा है INR में उसको हमें अपने बैंक अकाउंट में लेना है, तो हमें बाय नहीं करना, हमें सेल करना है। तो सेल पर आपको जो है सबसे पहले ही क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपका आपके पास जो भी करेंसी है वो आपको यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आपके पास USDT है तो आपको USDT सेलेक्ट करना है, बिटकॉइन है तो बिटकॉइन, तो मेरे पास है दोस्तों TRX, मैं जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है काफ़ी सारे बायर्स आ जाएंगे, जो कि आपकी जो है TRX को यहाँ पर जो है सेल मतलब बाय करेंगे और आपको उसके बदले जो है INR में पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आपके आपके पास अगर USDT है तो यहाँ पर USDT सेलर आ जाएंगे, बायर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर फिल्टर का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके आप दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो अमाउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपका अमाउंट डालना है। अमाउंट कैसे डालना है दोस्तों, आपके पास जितना भी फंड है उसको क्या करना है, आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपके पास $10 है तो आपको उसको जो है इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जितना भी पैसा बन रहा है आपका इंडियन रुपीज़ में डॉलर का, वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे मेरे जो है मेरे पास है 144 TRX है, जो कि एक TRX यहाँ पर जो है 5.5 रुपये का होता है, तो मेरे लगभग जो है 800 रुपये बन रहे हैं मेरे 144 TRX के। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट डाल दिया, तो आपको इसी तरह से आपको भी अमाउंट डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, आप लोग जिसमें भी पेमेंट लेना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ UPI। आपको अगर बैंक में पैसा लेना है तो आपको बैंक पर आपको क्लिक करना दोस्तों। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ बैंक में। अगर आप लोग यहाँ पर किसी से भी पेमेंट ले सकते हो, बैंक से कुछ भी, किसी से Google Pay, फ़ोनपे, UPI, तो आपको यहाँ पर ऑल कर लेना। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ UPI से लेना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग जिसमें जिससे भी पैसा लेना चाहते हो, अगर आप लोग बैंक से लेना चाहते हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बैंक ट्रांसफर पर जो आपको क्लिक करना है, देन आपको कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो है काफ़ी सारे बायर्स आ जाएंगे, यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप लोग।
सारे बायर्स आ चुके हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको आपको जो भी आपके पास फंड है उसको इनको जो है सेल करना है। सेल करके दोस्तों क्या करना है, ये आपके आपके पास जो भी USDT है, जैसे आपके पास डॉलर है तो आपके USDT को ये जो है बाय कर लेंगे और आप उसकी जगह पर आपके जितने भी पैसे बनेंगे INR में वो आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर जो है किसी को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको जो पेमेंट मेथड भी दिख रहा है नीचे कि ये जो है किस किस में पेमेंट करेंगे। जैसे ऊपर वाला है IMPS में और बैंक अकाउंट में कर देगा, और यहाँ पर मैं तो लेना चाहता हूँ पेमेंट UPI में, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ये जो है गूगल पे, पेटीएम, UPI, बैंक ट्रांसफर सभी में जो है पेमेंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, सेल पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आपको एंटर क्वांटिटी पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑल कर लेना है, या फिर आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी कर सकते हो। आप लोग जितना भी आपका फंड है उसके हिसाब से आप लोग एंटर कर देना, आपको जितना भी जो है फंड आपको सेल करना है। तो अपन मैं ऑल करता हूँ क्योंकि मुझे जो है सारे TRX यहाँ पर जो है सेल करने हैं। सेल करने के बाद आपको बोल रहा है यहाँ पर नीचे दिख रहा है सेलेक्ट पेमेंट मेथड, इस पर आपको क्लिक करके आपका जो भी मेथड आपने ऐड कर रखे होंगे यहाँ पर बैलेंस में वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपको ऐड नहीं करना आता तो मैंने उस पर भी जो है वीडियो बना रखी है। तो अपन मैं अपने UPI में पेमेंट लेना चाहता हूँ अपने फोन पे में, तो इसको जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ UPI ID को। देन आपको सेल विथ 0 फी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ऊपर टाइमर चल रहा है 2 मिनट का, यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको जब तक वो जो है अगला बंदा आपके जो है बैंक अकाउंट में जिस जो भी मेथड में आप लोग पेमेंट यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा उसमें तब तक आपके पेमेंट नहीं कर देता, मतलब आपके INR में आपको पैसे जो है सेंड नहीं कर देता, डाल नहीं देता, तब तक आपको यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं करना। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको चैट का दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको लोग इसको मैसेज कर सकते हो जिससे कि वो जो है जल्दी पेमेंट कर दे, जैसे हाय IM ऑनलाइन पे फास्ट। आप लोग इस तरह से मैसेज भी कर सकते हो, बात कर सकते हो उससे, लेकिन आपको और कुछ नहीं करना बात के अलावा। आप लोग बस इतना कर सकते हो हाय IM ऑनलाइन पे फास्ट, वरना आप लोग अपने फंड को लॉस भी कर सकते हो। जब तक दोस्तों ये यहाँ पर जो टाइमर चल रहा है इसके अंदर अंदर वो जो है आपके पास जो है आपके बैंक अकाउंट में आपके UPI में वो जो है पेमेंट कर देगा। जैसे हम यहाँ पर जो है वेट कर लेते हैं तब तक कि वो पेमेंट करता है, जब तक हम यहाँ पर जो है वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों टाइमर चल रहा है, आप लोग यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, और यहाँ पर तब ये मुझे जो है 827 रुपये डालेगा, तब तक ये जो है 827 रुपये डालता है, तब तक यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी भी यहाँ पर जो है टाइमर चल रहा है और अभी भी अगले बंदे ने यहाँ पर जो है पेमेंट नहीं किया है। ये बंदा मुझे जो है 827 रुपये यहाँ पर पे करेगा, यहाँ पर 5 रुपये 5.72 रुपीज़ के प्राइस में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तब तक ये जो है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आपके वो जो अगला बंदा आपके पास जो पेमेंट जैसे कर देगा तो आपके पास दोस्तों कुछ ऐसा आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात यह कि तब तक आपको यहाँ पर जो है पेमेंट रिसीप्ट पर आपको क्लिक नहीं करना, जब तक आप लोग अच्छे से चेक नहीं कर लो कि आपके बैंक में या फिर अपने फोन पे में या UPI में आए में आपके पास पैसा आया या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं अभी चेक कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मेरे पास अभी जो है मैसेज आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 827.27 रुपये यहाँ पर मुझे जो है रिसीव हो चुका है मेरे UPI ID में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको भी दोस्तों अच्छे से चेक कर लेना है, चेक करने के बाद ही दोस्तों आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर पेमेंट रिसीप्ट पर आपको क्लिक करना है। बाकी अगर आप लोग ऐसे ही कर दोगे बिना चेक किए तो आपका पेमेंट लॉस हो सकता है। तो आपको चेक कर लेना है कि उसने पेमेंट किया है या फिर नहीं, आपके पास पैसे आए या फिर नहीं INR में। जैसे मेरे आ चुका है 827.27 रुपये थे मेरे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर पेमेंट रिसीप्ट पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है कि मुझे जो है पैसे रिसीव नहीं हुए, दूसरा है मुझे जो है पैसे रिसीव हो चुके हैं। तो आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना, देन आपको कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको सेंड कोड पर आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पर जो है एक OTP जाएगा वो आपको यहाँ पर डालना है, सबमिट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं तो यहाँ पर मेरे पास जो है OTP आ चुका है, मैं आप दिखा देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना दोस्तों, आपके यहाँ पर जो है देख सकते हो यहाँ पर मेरे 144 TRX यहाँ पर सोल्ड हो चुके हैं और उसने मुझे जो है 827.27 रुपये जो है मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिए UPI में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ 827.27 रुपये। क्योंकि दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने जो है जो भी फंड है उसको मतलब सेल करके अपने बैंक में जो है पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया। तो आई होप कि आपको जो है सबको समझ में आ गया होगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों मुझे जो है कमेंट कर देना, मैं आपको अगली वीडियो में और भी अच्छे तरीके से जो है इसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझा दूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर आपको बाइनेंस के ऊपर और वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।